मॉर्निंग क्लास। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके सो लेट्स स्टार्ट। एनवायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। एनवायरमेंट एंड हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ इज टू अ लार्ज एक्सटेंड डिटरमाइंड बाय द क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरमेंट बोथ इंडोर एंड आउटडोर। हमारा जो ह्यूमन हेल्थ है वो किस पे डिपेंड करता है, बहुत हद तक अप टू अ लार्जर एक्सटेंट इट डिपेंड्स ऑन आवर क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरमेंट। जो हमारे एनवायरमेंट का जो क्वालिटी है, हमारे आसपास का जो एनवायरमेंट है उस पर भी डिपेंड करता है, चाहे वो इंडोर हो या आउटडोर हो। ओके द एनवायरमेंट इन विच वी लिव वर्क एंड रिलैक्स इज अ डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर आवर हेल्थ एंड वेलबींग। और जिस एनवायरमेंट में हम रहते हैं, वर्क करते हैं या रिलैक्स करते हैं, वो एनवायरमेंट क्या होता है, हमारा डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है कि हमारा हेल्थ और हमारी वेलबींग कैसे होगी। ओके फिजिकल एज वेल एज केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल फैक्टर्स इन द एनवायरमेंट कैन बी कॉन्सिक्वेंसेस ऑन आवर कैन हैव कॉन्सिक्वेंसेस ऑन आवर हेल्थ बोथ फिजिकली एंड मेंटली। और जो फिजिकल और केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल जो भी फैक्टर्स है, फिजिकल फैक्टर हो, केमिकल फैक्टर हो, या बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो, या माइक्रोबायोलॉजिकल फैक्टर्स हो हमारे एनवायरनमेंट के, वो उनका कुछ ना कुछ हेल्थ इफेक्ट होता है हमारी बॉडी में, उनका कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंस होता है हमारी बॉडी में, हेल्थ में, फिजिकली या मेंटली, आप किसी भी तरह से बोलो। बट देयर इज सम सर्टेन सर्टेन अमाउंट ऑफ अफेक्ट फ्रॉम यू नो दीज फिजिकल केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल फैक्टर्स इन आवर बॉडी। Next is the environment health. Environment health is the branch of public health that is concerned with all the aspects of the nature and built environment that may affect human health. The environment health जो होता है वो सारे branch of physical health में आता है, जो कि किसके लिए concern करता है, basically उसका concern है health, basically उसका health है nature and environment जो कि हमारे ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करता है। ठीक है, नेचर या फिर जो हमारा एनवायरनमेंट का चेंजेस से जो हमारे बॉडी में या ह्यूमन के बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं उससे डील करता है। ओके अदर टर्म्स रेफरिंग टू और कंसर्निंग एनवायरनमेंट हेल्थ आर एनवायरनमेंट पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट हेल्थ प्रोटेक्शन। सो दीज आर द टर्म्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ एनवायरनमेंट हेल्थ। ये भी बोल सकते हैं आप इन सबको। Environment health and environmental protection are very much related. Environment health और environmental protection जो है वो बहुत related है, क्योंकि आपका हमारा environment कब healthy होगा, जब हम environment को protect करके रखेंगे। Environment health is focused on the nature and built environment for the benefit of human health. Whereas environmental protection is concerned with protecting the natural environment for the benefit of human health and the ecosystem. Okay, so this is about environment health. Now we are moving towards health. Ab health kya hai? The World Health Organization, WHO, defined as health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of any disease or deformity or infirmity. So, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके हिसाब से हमारा जो हेल्थ का डेफिनेशन वो ये है कि हेल्थ एक स्टेट है जिसमें कि कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग होना चाहिए, एंड नॉट नियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फर्मिटी। तो किसी भी तरह का डिजीज या इन्फर्मिटी नहीं होनी चाहिए। दैट इफ दिस इज दीज ऑल सिचुएशंस आर सुइटेबल देन इफ ऑल दिस सिचुएशन आर एप्लीकेबल देन द पर्सन इज कॉल्ड एज हेल्दी। द बेस्ट नोन हेल्थ इम्पैक्ट आर रिलेटेड टू एम्बियंट एयर पोल्यूशन, water quality, poor water quality and insufficient sanitation. तो मतलब जो most of the आप अगर health issue देखेंगे तो आप देखेंगे या तो फिर air pollution की वजह से है, या फिर water पीने का जो पानी है वो साफ नहीं है उसकी वजह से है, या फिर आस पास में गंदगी है, sanitation नहीं है, उसकी वजह से होता है most of the health concern. Much less is known about the health impact of hazardous chemicals. और आप देखेंगे कि आज के एनवायरनमेंट में हम इतने सारे केमिकल्स यूज करते हैं, उनका भी बहुत ज्यादा हैजार्डियस इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी में। नॉइज इज एन इमर्जिंग एनवायरनमेंट एंड हेल्थ इश्यू। क्लाइमेट चेंज, डिप्लीशन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक जोन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी
एंड लैंड डिग्रेडेशन कैन ऑल्सो अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ. तो जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है जितना भी, और स्ट्रेटोस्फेयर का जो एटमोसफेयर है या ओजोन एटमोसफेयर है वो डिप्लीट कर रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है ना, एंड लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, मतलब लैंड का जो फर्टिलिटी है वो कम होता जा रहा है, लैंड डिग्रेडेशन में हो रहा है. ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, स्लोली एंड स्टेडी ऑल दिस थिंग्स आर अफेक्टिंग द और पुटिंग एन इम्पैक्ट और बैड इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ. द रिलेटेड हेल्थ इम्पैक्ट इंक्लूड्स रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, कैंसर, एस्थमा एंड एलर्जीज, एज वेल एज रिप्रोडक्टिव एंड न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स. तो ये जो भी हेल्थ इश्यूज है वो क्या क्या हेल्थ इश्यूज हो रही हैं, या फिर रेस्पिरेटरी इश्यूज हो रहा है लोगों में, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज जनरेट हो रही है, कैंसर होने के चांसेस हैं, एस्थमा हो जाता है, एलर्जीज हो जाती है. नॉट इवन एस्थमा एलर्जी, वी हैव सीन अ लॉट ऑफ पेशेंट विथ रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स है ना, या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होने लग जाते हैं. तो इस तरह की भी जो भी प्रॉब्लम्स है वो इनिशिएट होने लग जाती है. ह्यूमन हेल्थ हैज ऑलवेज बीन थ्रेटन्ड बाय नेचुरल हैजार्ड्स सच एज स्टॉर्म्स, फ्लड्स, फायर्स, लैंडस्लाइड्स एंड ड्रॉट. आप अगर देखोगे तो जो नेचुरल हैजार्ड्स है, जैसे कि जितने भी हमने एग्जाम्पल दिए, जैसे स्टॉर्म हो गया, फ्लड हो गया, फायर है, लैंडस्लाइड है या ड्रॉट है, ये सारी चीजें भी ह्यूमन हेल्थ में कोई ना कोई इफेक्ट जरूर करती है. मतलब इट्स एक्चुअली डेंजरस फॉर द ह्यूमन हेल्थ. देयर कॉन्सिक्वेंसेज आर बींग वर्सन्ड बाय अ लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस एंड बाय ह्यूमन एक्शन सच एज डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेटिक चेंजेस एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस. तो इन सब की वजह से क्या हो रहा है, इन सब की वजह से आप ये देखोगे कि ह्यूमन के हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है. और अगर आप पहले से जो ये नेचुरल डिजास्टर है या नेचुरल हैजार्ड्स है, अगर आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो, तो टू अ लार्जर एक्सटेंट वी कैन पुट ह्यूमन लाइफ इन डेंजर. सो दिस वॉज अबाउट हेल्थ. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स एनवायरमेंटल हेल्थ कंसर्न्स. व्हाट आर द एनवायरमेंटल हेल्थ कंसर्न, एनवायरमेंट से रिलेटेड हमारे पास कौन कौन से हेल्थ कंसर्न्स हैं, दिस वी आर गोइंग टू सी. आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रही है चीजें, एंड इफ यू आर कंफ्यूज यू कैन आस्क मी. तो लेट्स स्टार्ट विथ environmental health concerns. Environmental health addresses all human related aspects of the nature, natural environment and the built environment. Matlab environment health mein hum kaun kaun si cheez ko address karte hain, matlab kaun kaun si cheeze aa jati hai, human health related aspects of natural environment and built environment, matlab jo hamara natural environment se kaun kaun se human health concern ho sakta hai, ya fir jo humne aisa environment abhi bana diya hai jo hum pollution kar rahe hain, वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, उस पर जो हमने हम एयर कंडीशनर में कंडीशन में रहते हैं, ये सारी चीज़ों का जो हमने नेचुरल मतलब जो ब्यूल्ड एनवायरनमेंट है, ये जो हमने ब्यूल्ड अप किया है, मतलब जो हमने बनाया है खुद से एनवायरनमेंट, उससे रिलेटेड जितने भी हेल्थ कंसर्न होते हैं, चाहे नेचुरल एनवायरनमेंट से रिलेटेड हेल्थ कंसर्न हो या फिर ब्यूल्ड एनवायरनमेंट से रिलेटेड हेल्थ कंसर्न हो, वो सारी किसके अंदर आ जाते हैं, एनवायरमेंटल हेल्थ कंसर्न के अंदर आ जाते हैं. ठीक है, तो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक. Environmental health concern includes, environmental health concern क्या क्या include करता है, air quality including both ambient outdoor air and indoor air quality. So mainly क्या किससे deal करता है कि air quality कैसी है, both मतलब आपके घर के बाहर की outdoor air quality कैसी है और आपके घर के अंदर की outdoor quality कैसी है. Both of the things will determine the health of a person, which also comprises concern about environmental tobacco smoke. मतलब इसमें not just air का quality आता है, इसमें ये भी आता है कि tobacco smoke का कितना इसमें कितना comprise कितना percentage है tobacco smoking का indoor and outdoor air में, ये भी इसके अंदर आता है. Next comes the climatic change and its effect on health. जो हमारे कंटिन्यूस आप देख रहे हो कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है,
उसका क्या इफेक्ट होता है ह्यूमन हेल्थ में, दिस ऑल्सो कम्स अंडर एनवायरमेंट हेल्थ कंसर्न. डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स, जो भी डिजास्टर्स होते हैं, जैसे कि आपने हमने पढ़ा कि स्टॉर्म है, फ्लड है, फायर, लैंडस्लाइड, ड्रॉट, इन सब के लिए क्या प्रिपेयर किया है, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस मतलब क्या तैयारी है और इसका क्या रिस्पॉन्स होगा, ये भी किसके अंदर आता है, एनवायरमेंटल हेल्थ कंसर्न के अंदर आता है. देन कम्स द फूड सेफ्टी इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. तो फूड सेफ्टी भी इसी में आता है, जैसे कि हम एग्रीकल्चर को इंक्लूड कर सकते हैं, जो हम फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड देख रहे हैं, वो भी इसी के अंदर आ जाता है. ओके, नेक्स्ट कम्स द प्रोसेसिंग होल सेल एंड रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ फूड, मतलब हम फूड का प्रोसेसिंग कैसे कर रहे हैं, ये भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. होलसेल या रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मतलब होलसेल में कितने रेट में मिल रहा है, रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन में कितने रेट में जा रहा है, किस रेट में हम फूड जो है बेच रहे हैं, ये सारी चीजें भी एनवायरमेंटल हेल्थ कंसर्न के अंदर ही आती है. क्योंकि देखो प्रोसेसिंग ज्यादा हो रहा है तो भी वो ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करेगा, एंड अगर होलसेल में अच्छे से कम रेट में सामान मिल रहा है तो लोग ज्यादा हेल्दी होंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें कंज्यूम कर पाएंगे. रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये भी अफेक्ट करता है ह्यूमन के हेल्थ को, राइट? तो ये सारी चीजें अफेक्ट करती है ह्यूमन हेल्थ को. नेक्स्ट कम्स द हजार्डियस मटेरियल मैनेजमेंट. हजार्डियस मटेरियल्स मैनेजमेंट मींस जो भी ऐसे मटेरियल है जो कि डेंजरस है, लाइक आप देख रहे हैं कि बैटरीज होती हैं जो हमारे घरों में नॉर्मल हम किसी भी चीज में बैटरी यूज करते हैं, और उसको जब हमें लगता है फोन की बैटरी हो गई, या फिर जो आप टॉर्च में बैटरीज यूज कर सकते हैं, आप वॉच में बैटरी यूज कर सकते हैं, मतलब जो आपकी घड़ी होती है, क्लॉक होती है, उसमें यूज कर रहे हो, आपके इन्वर्टर में बैटरी है, आपके हर एक अप्लायंस में बैटरी है, राइट? तो जो बैटरी आप यूज कर रहे हो ये भी एक हैजार्डियस मटेरियल है, क्योंकि अगर इसका आपने सेफ डिपोजिशन नहीं किया, मतलब जब ये एक टाइम के बाद इनका भी एक्सपायरी डेट होता है, अब जब इसका एक्सपायरी डेट अटेम्प्ट हो चुका है, आफ्टर दैट इफ यू आर नॉट डिस्पोजिंग इट प्रॉपरली, देन इट कैन कॉज एनवायरमेंटल हैजार्ड्स. ये एनवायरमेंटली हैजार्डियस हो सकते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, इसमें से रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स निकलते हैं जो बैटरीज होती है स्पेशली, तो ये बहुत ज्यादा हैजार्डियस है एनवायरमेंट के लिए. हैजार्डियस मटेरियल मैनेजमेंट इंक्लूडिंग हैजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट, कंटामिनेट साइट रेमिडिएशन एंड प्रिवेंशन ऑफ लीक फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स एंड प्रिवेंशन ऑफ हैजार्डियस मटेरियल्स रिलीज टू द एनवायरमेंट एंड रिस्पॉन्स टू इमरजेंसी सिचुएशन रिजल्टिंग फ्रॉम सच रिलीज. तो ये तो मैंने एक बैटरी का आपको एग्जांपल दिया, क्योंकि ये एक जो बैटरी होती है या इस तरह की चीजें हम हर एक के घर में होती है, और हर एक को एवरीबडी इज फेमिलियर विद इट, कभी ना कभी किसी ना साइज किसी फॉर्म में हमने देखा है और हम इससे फेमिलियर हैं. बट तो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है. इसके साथ साथ जैसे हम कोई भी किसी एक प्लेस में अगर कोई रिएक्शन चल रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शन है, न्यूक्लियर प्लांट है, तो मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर प्लांट्स आर अंडरग्राउंड होते हैं, टैंक्स होते हैं उसमें, और उसमें वो प्लांट्स कंटिन्यू होता है. तो अगर किसी तरह का उस प्लांट में लीकेज हो गया, उसमें किसी तरह का ऐसे कुछ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ मिस हैपनिंग हैपेंस, तो वो क्या होता है, उसके लिए क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, क्या तैयारी होनी चाहिए, ये सारे भी एनवायरमेंटल हेल्थ कंसर्न के अंदर आता है. और हम ये भी जितने भी जो हैजार्डियस मटेरियल है उसको कैसे हम हैंडल कर रहे हैं, इवन आप हॉस्पिटल में भी देखेंगे बीइंग ए नर्स, कुछ एक साइन होता है जिसपे लिखा होता है डेंजरस, राइट? या फिर उसमें आप केमिकल को डिपॉजिट करते हो जो आप वेस्ट मैनेजमेंट करते हो, तो उनको भी उसको भी उसका प्रॉपर डिस्पोजल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो वो एनवायरमेंट को भी खराब करेगा. अब अगर आपने उसको अगर उसने सपोज करो आपके सॉइल को कंटामिनेट कर दिया, उसकी उसको डिग्रेड कर रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी को डिग्रेड कर रहा है, तो इसके क्या रेमेडीज हो सकते हैं, इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी फिर से रिगेन हो सके, विच ऑल आर द रेमेडीज विच वी कैन अप्लाई फॉर रिगेनिंग दी दिस रिगेनिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. तो ये सारी चीजें भी एनवायरमेंटल हेल्थ कंसर्न में आएंगी सारी चीजें. नेक्स्ट कम्स द हाउसिंग इंक्लूडिंग
standard housing abatement and in and the inspection of jails and prisons. जैसे housing है और sub standard housing है जो कि abandoned हो गए, मतलब जिनको छोड़ दिया गया, जिसमें अब कोई रहता नहीं है, और जैसे jail है या prisons है, इन सब का inspection भी environmental health concern के अंदर आता है. जो जैसे जो घर है जिसमें कोई रहता नहीं है और जैसे jail है उसमें ज्यादातर all of most of the time jail या prisons जो होते हैं वो खाली रहते हैं, तो इनका भी time to time inspection होना, इनका भी केयर टेक करना इज कम्स अंडर एनवायरमेंटल हेल्थ कंसर्न. चाइल्डहुड लेड पॉइजनिंग प्रिवेंशन. चाइल्डहुड लेड पॉइजनिंग प्रिवेंशन मतलब क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ये होता है कि कोई भी चीज जो वो देखते हैं वो पहले पकड़ेंगे और उसको अपने मुंह में डाल लेते हैं. इससे जो ये इनका जो एक ये ओरल स्टेज होता है उसमें जो ये हर एक चीज अपने मुंह में डालते हैं, उसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा ये केमिकल्स ले लेते हैं. जैसे आप किसी के घर में फिनाइल रखा हुआ है, किसी के घर में कुछ ऐसे कोई ऐसे केमिकल है जो कि आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रंस होना चाहिए, बच्चों के पहुंच से दूर रखी जानी चाहिए, पर आपने जमीन में रख दिया और बच्चे ने उसको मुंह में डाल दिया. तो ये सारी जो चाइल्ड पॉइजनिंग होती है लेड से, उससे भी उसका भी जो भी है मेजर्स या ये सारी चीजें भी किसमें आती है, एनवायरमेंट हेल्थ कंसर्न में आती है. लैंड यूज प्लानिंग इंक्लूडिंग स्मार्ट ग्रोथ. हम लैंड का कैसे उसको यूज करें, उसकी प्लानिंग, और इसमें कैसे स्मार्टली हम ग्रो करें, जैसे कम लैंड में भी हम कैसे अच्छे से अच्छा उसका उसको यूज कर सकते हैं. से अगर कोई एक जमीन है जो कि अब आपको लगता है, अब गवर्नमेंट ने को लगता है या फिर एज पर गोइंग थ्रू द रिसर्च नाउ द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड इज वेरी लो, फर्टाइल नहीं है वो लैंड अब ज्यादा, ठीक है, या फिर बहुत कम है उसकी फर्टिलिटी, तो आप उसको इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं. तो आप अब आपको एक सेक्शन मिला है तो उसको आप मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे करें, ये सारी चीजें भी कैसे होती है इंडस्ट्री ये एनवायरमेंट हेल्थ कंसर्न के अंदर आती है. लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल इंक्लूडिंग सिटी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड ऑन साइट वेस्ट वाटर डिस्पोजल सिस्टम सच एज सेप्टिक टैंक सिस्टम एंड केमिकल टॉयलेट्स. जितने भी लिक्विड वेस्ट है उसका डिस्पोजल, जितने भी सीवेजेस है उसका डिस्पोजल, है ना, सेफ्टी टैंक्स है उसका डिस्पोजल, ये सारे भी एनवायरमेंट हेल्थ कंसर्न के अंदर, क्योंकि अगर इनका डिस्पोजल अच्छे से नहीं हुआ तो लिक्विड में जो भी वेस्ट होता है वो ज्यादा जल्दी स्प्रेड होता है, यू कैन अंडरस्टैंड, तो डिजीज कंडीशन कंटामिनेशन भी ज्यादा जल्दी और ज्यादा इजीली स्प्रेड हो जाएगा. इसीलिए जरूरी है कि जो लिक्विड वेस्ट है उसका भी अच्छे से ट्रीटमेंट हो, और ये जो लिक्विड वेस्ट का ट्रीटमेंट है एंड एवरीथिंग ऑल्सो कम्स अंडर दिस टॉपिक एनवायरमेंट हेल्थ कंसर्न. मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल, जो भी मेडिकल से जो भी वेस्ट निकलता है और उसका जो डिस्पोजल है ना, वो भी इसी के अंदर आता है. Noise pollution control, this also comes under environment health concern. Occupational health and industrial hygiene. Occupational health, किसी भी occupation की वजह से इंसान की health में क्या effect होगा, जिसको हम most of the time occupational health hazard भी बोलते हैं वो, और industrial hygiene, industries में कैसे हम hygiene maintain करके रख सकते हैं, means hygiene to protect our system, to protect our body from getting disease, caught by disease because of occupational hazard. Ye bhi, all these topics also is been covered by environment health concern. Radiological health, including exposure to ionizing radiation from x-ray or radioactive isotopes. So, जैसे रेडियोलॉजिकल, जो रेडियोलॉजिकल पर्सन होता है जो रेडियोलॉजी करवाता है उसके हेल्थ भी इसी के अंदर आता है, क्योंकि उसको क्या है, दैट पर्सन हैज टू इन हिज एंटायर करियर, पूरा लाइफ टाइम जो उसका करियर है उसमें उसको क्या है, एक्सरे से डील करना है, यही सारे रेडिएशन से डील करना है, तो उसको बहुत सारे हेल्थ हजार्ड होने के चांसेस होते हैं, तो वो भी इसी यही चीज कवर करता है. ठीक है, रिक्रिएशनल वाटर illness prevention from swimming pool, spas, oceans and fresh water bathing places. मतलब water से related होने वाला illness,
जो कि कॉमनली जो कॉमन वाटर जहाँ पे ऐसा प्लेसेस जहाँ पे यू नो कॉमन मीन्स लोग आकर के यूज करते हैं, जो कि आप पे करोगे और आप यूज कर सकते हो या फिर कोई भी जाके यूज कर सकता है, मीन्स कॉमन जिसे हो जाता है जो पब्लिक प्रॉपर्टी में आ जाती है, वैसी चीजों पे भी अगर आप वाटर के से जो रिलेटेड डिजीज कंडीशन होता है दिस इज ऑल्सो बीन कवर्ड अंडर एनवायरमेंटल हेल्थ कंसर्न. सेफ ड्रिंकिंग वाटर, साफ पीने का पानी, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. टॉक्सिक केमिकल एक्सपोजर, वेदर इन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, हाउसिंग, वर्क प्लेस, एयर, वाटर एंड और सॉइल. जो केमिकल टॉक्सिक एक्सपोजर होता है, चाहे वो यू नो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो, हाउसिंग हो, वर्क प्लेस हो, ये सब भी किसके अंदर आ जाता है, एयर है वो, वाटर हो या सॉइल हो, ये भी जो इसका कंसर्न है, टॉक्सिक केमिकल एक्सपोजर का जो कंसर्न है दैट इज ऑल्सो डील अंडर एनवायरमेंटल हेल्थ कंसर्न. वेक्टर कंट्रोल, इंक्लूडिंग द कंट्रोल ऑफ मॉस्किटोज, रोडेंट्स, फ्लाइज, कॉकरोचेस एंड अदर एनिमल्स दैट मे ट्रांसमिट पैथोजेंस. हम जो वेक्टर कंट्रोल देखते हैं, है ना, वेक्टर कंट्रोल के लिए जो भी मेजर्स लेते हैं दिस ऑल्सो कम्स अंडर वेक्टर कंट्रोल में मॉस्किटोज भी आ जाएंगे, रोडेंट्स भी आ जाएंगे. रोडेंट्स में क्या होता है, माइस होता है, रैट होते हैं, ये सारी चीजें आती हैं. फ्लाइज आ जाएंगे, कॉकरोचेस आ जाएंगे, ये सारे भी कौन डील करता है, एनवायरमेंट हेल्थ कंसर्न के अंदर आ जाता है हमारा. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इंक्लूडिंग लैंडफिल्स, रिसाइकलिंग फैसिलिटीज, कंपोस्टिंग एंड सॉलिड वेस्ट ट्रांसफर स्टेशन. जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है जिसमें कि हम लैंडफिलिंग भी आ जाता है, रिसाइकलिंग भी आ जाता है ना, किसी प्रोडक्ट को रिसाइकल करके यूज करना, कंपोस्टिंग आ जाता है, मतलब किसी का खाद में कंपोस्ट करना, उसको चेंज करना. सॉलिड वाटर ट्रांसफर स्टेशन, मतलब जहाँ पे हम वाटर को ट्रांसफर कर सकते हैं, वैसा स्टेशंस, ऑल दिस कम्स अंडर एनवायरमेंट हेल्थ कंसर्न. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. इन दिस वी हैव कवर्ड एनवायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ. वी हैव सीन एनवायरमेंट एंड हेल्थ. फर्स्टली वी हैव गॉन थ्रू environment health, then health, and now finally we have concluded our today's class with environmental health concern. So, ye jo environment health hai na, environment and human health, this is an important topic. Ye important hai, exam purpose se bhi important hai. Ye aa sakta hai. Or not just here, means agar aap koi kabhi bhi kahin pe bhi koi competitive exams doge, तो अगर आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर किया है तो ये इससे टॉपिक्स बहुत सारे आ सकते हैं. सॉरी, कोई ना कोई टॉपिक रहता है इसमें से एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में भी, नॉट जस्ट फॉर नर्सिंग, किसी भी कॉम्पिटिशन, क्योंकि एनवायरनमेंट साइंस एक ऐसा टॉपिक है या एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर एक यू नो कोर्स के साथ होता है. आई होप कि समझ में आया हो आप लोगों को. सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास.